सीक्वेंस अभी ये चल रहा था कि जो मेरी बहन है उसको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसका अफेयर किसी और से चल रहा है, तो हम दोनों रिपोर्टर बन के पता करने जाते हैं कि ये सच है कि नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार बन चुका है। स्टैंड बाय एंड एक्शन। चेयर दो मेरे को, ये सफा बनाएगा और कौन बनाएगा। आ जाओ रेडी है। आप रेडी हो? हम रेडी हैं। दो सेकंड दो ना। गुड शॉट है। रोलिंग, स्टैंड बाय, साइलेंस, रेडी एक्शन। हमने सुना है कि आप नंदू जी का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। मतलब कि ये कि जो नंदू है ना, नंदू, उनमें इंटरेस्ट लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सुना आज तो बहुत ध्यान रख रही हूँ उनका। नंदू जी ये कर लो, नंदू जी वो कर लो, हा? और कोई काम नहीं क्या जिंदगी में तुम्हें? मैं नंदू की दीदी बता रही हूँ, मेरे पति को भूल ना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? अच्छा, तो आप उनकी दीदी कैसे? नंदू जी कैसे आप जैसे आपके साथ सॉरी सॉरी घर रहते थे, मतलब कैसे वो आप जैसे और अपना जिंदगी बिता रहे हैं? तो मुंडी से नहीं परी प्रीति, टच 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 टी हाँ हाँ, अभी अगला कट करना था मेरे को, आपने ले लिया। प्रीति एक्शन। सरला मैम से मुझे बहुत सीखने को मिला, उन्होंने उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है अनन्या खरे जो है कि वो बाप रे कोई ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकता है, मैं कब ऐसी बनूंगी, इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगी, तो उन्होंने उनसे मैंने बहुत सीखा है। और जिन लोगों से जो नहीं सीखना था वो मैंने नहीं सीखा है, अच्छी चीजें सीखी हैं बस, बाकी सब चीजों को फिल्टर कर दिया। और जैसा आज के सीक्वेंस में जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे, तो मीडिया कितना बड़ा मतलब पार्ट रखता है किसी शो के सक्सेस के लिए? मीडिया बहुत बड़ा पार्ट रखता है, वो एक ऐसा जरिया होता है जो हमें हमारे फैंस तक पहुंचा सकता है, सही गलत पूरी। हम मेरे पापा और हम बैठ के न्यूज देखते हैं तो कितनी सारी चीजें हमें थ्रू मीडिया पता चलती है, तो मुझे बड़ा अच्छा गर्व महसूस हो रहा था कि इंटरव्यू आज जैसे आपके थ्रू ऑडियंस मेरी बातें सुन पा रही है, तो ये बहुत अच्छा जरिया है, उसके बिना शायद हम आज के जमाने में कुछ नहीं हो पाएंगे। जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आप, जो रियल लाइफ में आप कभी इधर कितना डिफरेंस है, क्या कैरेक्टर? बहुत डिफरेंट है, मैं बहुत इमोशनल हूँ पर्सनल लाइफ में, छोटी छोटी बातों में मुझे रोना आ जाता है, मैं लोगों से बहुत जल्दी प्यार कर लेती हूँ, ट्रस्ट कर लेती हूँ। और परी कैसी है जो मैं ऑपोजिट प्ले कर रही हूँ,
वो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है, उसे सबसे पहले वो अपने बारे में सोचती है फिर दूसरे के बारे में सोचती है, चोरी करती है, झूठ बोलती है, ईमान धर्म ही नहीं है उसका। तो बहुत मजा आ रहा है अपने ऑपोजिट, अपने से ऑपोजिट रोल करने में, वरना अपने जैसे रोल करने में तो आपको लगता है आप रियल लाइफ में भी ऐसी हो, बट ये रोल करने में मुझे बहुत ही, मेरे दिल से बहुत करीब रहेगा रोल एकदम हटके। हमें आपसे ये पूछना है कि आजकल सारा काम आप ही संभाल रही है यहाँ पर? अच्छा, लेकिन नंदू जीजा जी में आके आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है? कंटिन्यू। मतलब कि ये कि आजकल जिंदगी में आपको कोई और काम नहीं है? जब देखो आ गया क्या क्या ऊपर लगा दे भाई, कुछ कर दे यार, टेप लगा दे नहीं तो मैं बस रिएक्शन। मैं नंदी की दीदी, अब बता रही हूँ मेरे पति से दूर रहना अच्छा नहीं होगा, समझी? आप उनकी हाँ सर, रोलिंग। तूने हमारी मारी है? होल्ड होल्ड होल्ड। काउंटर, हमारे शो का सक्सेसफुल रहना इसलिए था क्योंकि हमारे शो का एक तो सेटअप बहुत अलग था, मल्टी सेटअप था, चार कैमरे थे तो एक ही बार में सीन हो जाता था, तो वो एक एक्टर का गिव एंड टेक एक ही बार में हो जाता था। और हमारी कहानी बहुत नेचुरल है, जो हर परिवार की कहानी होती है। आपको हमारे शो में परी हो, नमिता हो, प्रीति हो, रानी हो, अम्मा जी हो, कौशल्या, सबके घर में होती है। एक माँ, एक बहन जो नेगेटिव होती है, एक जो सबसे चिढ़ती है, एक जो सबकी मदद करती है, एक भाई जो सबको प्यार करता है, एक भाई जो किसी को सबकी सारी जायदाद लेना चाहता है। तो ये जो हमारी शो की कहानी है वो हर घर की कहानी है, इसलिए लोग उससे रिलेट कर पाए और इसलिए इतना सक्सेसफुल रहा हमारा शो अभी तक।